भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। बरतानवी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने तमाम मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में खेलेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से। और रिसर्च करके जो मुझे बहुत पता चली है तो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से तो घंटा बच गया हुआ है, कब का बच गया हुआ है ये पीसीबी को भी पता है। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो दुबई में खेला जा सकता है, लेकिन पीसीबी ने इस हवाले से बहुत वाजे और वाशगाफ अल्फाज में इस बात की तरदीद तय कर दी है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा तो वो पाकिस्तान में ही होगा। अगर फाइनल में जाएगा तो वो दुबई के अंदर अपना फाइनल खेलेगा, इसी के साथ साथ इंडिया के सारे मैचेस, इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच है वो भी यूएई के अंदर होगा। सिमिलरली बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ जो इंडिया का मैच है वो भी जिस तरह है दुबई या शारजा या अबू धाबी में से किसी एक जगह के ऊपर होगा। लेकिन अब सोचना पड़ेगा, हमारे मुल्क का एक इवेंट है, उसमें सबको आना है इंशाल्लाह, और हम सब दुआगो हैं कि हमारे मुल्क में ये हो और होगी इंशाल्लाह। और ये जो फाइनल की बात की है ये एक हवा चलाई गई है, हो सकता है कि कुछ जो है ऐसी चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट किया जाए कि जब कोई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करता है सबसे पहले सवाल यही आता है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, क्या किस तरह होगा। मोहसिन नकवी जब कहीं कैमरे के सामने आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है, और वो वक्तन फवक्तन कहते हैं कि अभी तक तो यही लगता है कि पाकिस्तान ट्रैवल किया जाएगा, इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल करेगी। अब ना मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो वो सुना होगा आपने भी, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में खेला जाएगा, और आज से इस बात से बिल्कुल एक दिन पहले पीसीबी चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहा है कि मैं बड़ा मुतमिन हूं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंडिया आ रहा है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, उम्मीद पे दुनिया कायम है, होता कुछ नहीं है। बरतानवी एक अखबार है टेलीग्राफ, उन्होंने जो है वो एक न्यूज छापी है भाई, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है इसके फाइनल मैच तक अगर इंडिया की टीम पहुंच जाती है फिर चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है ना वो दुबई में होगा, वो लाहौर में नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिया की टीम फाइनल तक नहीं पहुंचती तो फिर ये होगा कि जो फाइनल मैच होगा वो लाहौर में होगा। बात की अभी के फाइनल होगा नहीं होगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि स्टेडियम जो है वो अभी तक जो रेनोवेशन का जो वर्क है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नेशनल स्टेडियम कराची इस वक्त जो है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, गद्दाफी स्टेडियम पर भी जो है वो सवाल जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो आपको लगता है कि ये जो टाइमली ये कंप्लीट हो जाएगा? नेशनलिस्टिक का जो सेंटिमेंट है वो क्या कहता है और उसकी निगाह से अगर आप चीजों को देखें तो वो फिर किस तरह पिक्चर आउट होती है आपके सामने? तो अब जो है क्या आईसीसी रिवील करना चाहता है, क्यों वो बैक हैंड पे एक 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 हाइब्रिड मॉडल भी पैरेलली तैयार कर रहे हैं? दो के जब फाइनेंसेस अप्रूव करने की बात हुई चैंपियंस ट्रॉफी की तो उस फाइनेंसेस में जरूर एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जरूर वहां रखी गई कि जस्ट इन केस कोई प्लान बी की जो कॉस्ट है वो, मगर वो एक नॉर्म है जो कि नॉर्मली हर आईसीसी इवेंट में होता है, वो सेक्शन हर आईसीसी इवेंट में खर्च नहीं होता। जैसे अभी आपने वेस्ट इंडीज यूएसए में देखा कि वहां स्टार्ट होने से पहले $20 मिलियन की और डिमांड की गई क्योंकि यूएस में जो बजट एलोकेट किया गया था वो शॉर्ट पड़ गया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडिया फाइनल में नहीं जाता तो फाइनल जो होगा वो फिर लाहौर के अंदर होगा, लेकिन अगर इंडिया फाइनल में जाएगा तो फाइनल जो है वो दुबई के अंदर होगा। 6 मार्च तक आईसीसी को भी नहीं पता होगा ना किसी प्लेयर को पता होगा कि फाइनल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कहां पे होगा। जब सेमीफाइनल हो जाएंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि फाइनल लाहौर में होगा या दुबई के अंदर होगा। तो ये मेगा अपडेट आई है भारत की तरफ से। अब ये अपडेट क्यों आई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, अभी आपको एक और अपडेट देते हैं कि पीसीबी की तरफ से पता करवाया गया तो पीसीबी ने कहा हर बात की तर्दीद कर दी, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से बातें चल रही है। लेकिन खबरें इंडियन मीडिया से ऐसी क्यों आ रही है, इसलिए कहा था कराची का जो स्टेडियम है वो बहुत स्लो काम हो रहा है। 2 हफ्ते पहले की जो तस्वीर थी अभी भी वही तस्वीर है और इसके अंदर 2 हफ्ते के अंदर लाहौर के स्टेडियम का फर्स्ट फ्लोर बनने जा रहा है, लेकिन कराची के स्टेडियम के अभी तक फाउंडेशन पे ही काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब है पीसीबी चेयरमैन को अंदर वाली बात का पता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही, इसी वजह से स्टेडियम्स का काम भी रुक गया हुआ है, स्टेडियम्स का काम भी हो ही नहीं रहा। स्टेडियम्स का काम पिंडी वाला स्टेडियम को हाथ नहीं लगाया गया, कराची और लाहौर में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, और जो पिंडी वाले स्टेडियम का हमें वो दिखाया गया था मॉडल, अब वो बात ये आई है कि जो लाहौर के स्टेडियम से चेयर्स उतारी जाएंगी ना, वो कबाड़ चेयर्स वो पिंडी में लगाई जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ पीसीबी गिव अप कर गया हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी नहीं क्योंकि हमारे से ग्राउंड नहीं बनाए जा रहे। लगता है कि एक तरफ जो है कुछ भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आके खेलें, क्योंकि कहते हैं वो यही है कि जी हम तो नहीं समझते, ये तो गवर्नमेंट की परमिशन होगी तो हम आ जाएंगे, तो इससे लगता है कि दबे अल्फाज में उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आके खेलें क्योंकि पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है इंडियन क्रिकेटर्स की। लेकिन ये भारतीय मीडिया का क्या प्रॉब्लम है कि वो मुसलसल जो है वैसी खबरें चलाते हैं कि जिससे जो इम्कान जो है वो कम होते नजर आते हैं?
देखिए ये तो पक्की बात है कि उनकी गवर्नमेंट पे सारा है, और हमारी गवर्नमेंट तो नहीं, हम तो कल बुलाएं तो हम कल चले जाएंगे, मगर बात वही है सिक्योरिटी, हाँ आज ही चले जाएंगे। ये जो है वो उन्होंने न्यूज छापी है भाई। अब चैंपियन ट्रॉफी का जो मामला है वो आपको मालूम है कि पीसीबी तो तैयार बैठा हुआ है, और पीसीबी ये मान के बैठा हुआ है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। आपको ये भी मालूम है कि मोहसिन नकवी ने दो दिन पहले ये भी बोला कि मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आके खेलेगी और कोई ऐसा रोला रप्पा नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड से राजीव शुक्ला ने यह भी बोला हुआ है कि अभी तक हमने इसका कोई फैसला नहीं किया, जो फैसला हमारी हुकूमत का होगा वही हमारा फाइनल जो है वो फैसला होगा। ठीक है, अब हालात ऐसे हैं समेरा के, जाहिर सी बात है आईसीसी का इवेंट है, चार महीने रह चुके हैं, आपको रिलीज तो करना है। अब आप सोचे ना कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल जून जुलाई में होना है, वो डेढ़ महीना पहले से अनाउंस हो गया कि वो फाइनल कहाँ होना है, कितने बजे होना है, कौन से वेन्यू पे होना है, कौन सी तारीखों में होना है, टिकट्स उसकी बिकना शुरू हो जाएंगी, लोगों को पहले से पता होगा प्लान क्या है। अब लोगों को ये समझना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में 15 मैचेस है, ठीक है, ये 15 मैचेस में किस तरीके से बात हो रही है कि क्या हाइब्रिड और क्या नहीं, उस रिपोर्ट के मुताबिक अब टेलीग्राफ ये क्लेम करता है कि उनके हाथ में आईसीसी का हाइब्रिड प्लान लग चुका है, जो कि 5 मैचेस को कहता है कि वो यूएई में खेले जाएंगे और जो बकायदा बाकी 10 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। सो इसको 5 और 10 के स्प्लिट पे डिवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा इशू आता है कि चलो यार इंडिया खेल ले अपने मैचेस बाहर, लेकिन फिर सेमीफाइनल और फाइनल तो फिर पाकिस्तान में करो क्योंकि इवेंट तो है। सो उसका भी एक ऑप्शन उसमें हल सोचा हुआ। सो अगर मैं मोटी मोटी डिटेल्स में यहाँ बात करूं तो ऑप्शन ये है कि ये पैराग्राफ, ये जो टेलीग्राफ के अंदर रिपोर्ट आई हुई कहता है कि अगर तो बैन जारी रहा इंडिया का पाकिस्तान ना आना, जो ट्रैवल बैन है इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर, अगर वो जारी रहा सो फिर ये वाला जो प्लान है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और वो प्लान क्या है कि इंडिया के 3 ग्रुप मैचेस हैं, एक पाकिस्तान के साथ, एक न्यूजीलैंड के साथ और एक बांग्लादेश के साथ, ये 3 मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। अच्छा, अबुधाबी या दुबई, दुबई या अबुधाबी, शारजा बिल्कुल आउट ऑफ कंटेंशन है क्योंकि इंडिया शारजा नहीं जाता अपने मैचेस खेलने। अब ये जो न्यूज़पेपर में आप सबने वो चीज पढ़ी कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल अगर इंडिया जाता है तो जी वो दुबई में होगा, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया ने जाना वनडे में, वो बाप है सबका, वो मैं तो ये मानता ही नहीं हूं कि इंडिया फाइनल में जाएगा, नहीं भाई उन्होंने जाना ही जाना है। ठीक है, सुनने में आया कि इंडिया फाइनल में जाता है तो फाइनल उधर होगा दुबई में, तो मेरी बात सुनो, एक फाइनल उधर होगा तो बाकी मैच भी तो इंडिया के उधर ही होंगे ना, ये किसी ने क्यों नहीं बताया भाई आपको कि बाकी मैच जो इंडिया के होंगे वो भी उधर ही होंगे। और पीसीबी को इस बात का पता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने, ये बात पीसीबी को तकरीबन शुरू से ही पता है। क्यों पीसीबी कभी ऐसी बात करता नजर नहीं आया कि भाई इंडिया आ रहा है, तो ये वो हमेशा ये कहते हैं उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है, उम्मीद उम्मीद में चल रहे हैं भाई। लेकिन उनके यहाँ प्रॉब्लम है, देखें ना, सच्ची बात तो यह है कि डिस्टर्ब तो हमें किया गया है बहुत ज़्यादा। आप दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप इन चीज़ों को छोड़ें, आप हमसे क्रिकेट में भी अभी काफ़ी अच्छे हो और आपके पास है, हम तो बहुत डिस्टर्ब हुए हुए थे, तो फिर एक दिन सोच लें आपके यार कोई ऐसी बात नहीं है, और ख़तरे और ये सब तो आपके यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी तो सुकून पड़ा हुआ है उसमें कौन सी ऐसी वो आई भी, हमारे IPL PSL और ये सब कुछ, इवन टीमें भी हमारे पास आ रही हैं, तो फिर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी चौंका हुआ नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत होता देख। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के मैच संयुक्त अमीरात में खेल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, वहीं पर आपको बता दें कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, अभी तक यह तय नहीं हुआ है। BCCI स्पष्ट कर चुका है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाने पर का फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब एक अहम अपडेट सामने भी आ रहा है कि बताया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकता है। भारतीय टीम अपने सभी मैच संयुक्त राज्य अमीरात में खेल सकती है। रिपोर्ट की माने तो भारत के ग्रुप चरण में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में आयोजित किया जा सकता है। अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो कामयाब रहा तो वेन्यू चेंज हो सकता है और नॉकआउट मैच की भी दुबई में हो सकते हैं। भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचने पर नॉकआउट मैच लाहौर में ही खेले जाएंगे। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।